दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए बीएससी बीकॉम या दोस्तों आप पार्ट वन के छात्र हैं जिनका सेशन 2020 से 23 है, तो वो छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो इसको लेकर अपडेट आई है। दोस्तों इससे पहले आप लोगों के लिए एक अर्निंग ऐप जिसका नाम है टैक्साल, इसे आप लोग डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों इस ऐप की खासियत है कि आप 10 रुपये लगाते हैं तो सीधे इसके 9 गुने यानी 90 रुपये आप लोग जीत पाएंगे, यानी 100 रुपये लगाते हैं तो 900 रुपये जीत पाएंगे, और इसके साथ ही जीते हुए पैसे को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है ना ऐप बहुत ही अच्छा, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए डाउनलोड कीजिए। और अब चलिए जानते हैं कि आप लोग पार्ट वन के जितने भी छात्र हैं किसी कारण से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिलअप किए होंगे, तो वो छात्र जल्द से जल्द आप लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जाके फिलअप कर लीजिए। तो ये आप लोग नोटिस देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी की ओर से कल के डेट में जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों स्नातक प्रथम खंड और साथ ही पार्ट थर्ड दोनों छात्रों को बताया गया है कि अगर आप लोग किसी कारण से अपना परीक्षा परपत्र नहीं भरे हैं तो आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा परपत्र 30 रुपये शुल्क के साथ 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक आप लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करके, इसके साथ ही आप लोग जो ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा प्रपत्र प्रिंट आउट मिलेगा उसे अपने महाविद्यालय में जाके जमा करना है। और इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा तो हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं, या दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जब आप लोग प्रिंट आउट लेके कॉलेज में जाते हैं जमा करने, तो सबसे पहले नंबर तो पार्ट वन का नामांकन रसीद ले लीजिए, और इसके बाद 12th का मार्कशीट, इसके बाद 12th का एडमिट कार्ड, और दोस्तों अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो रजिस्ट्रेशन का स्लिप भी लगा सकते हैं। और दोस्तों इतना डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग जाके और अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं, अगर आपके पास जाति आय आवासीय उपलब्ध है तो वो भी लगा दें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।